हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, हम खेल रहे हैं द कुकिंग सिमुलेटर। इसके डे वन को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और आज हम इसके सेकंड डे को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आज कितनी कमाई करते हैं। तो चलो दोस्तों, लग जाते हैं अपने काम पे। आज के दिन हमारा फर्स्ट ऑर्डर मिला है पनीर ऑमलेट का। तो चलिए इसको बनाने के लिए ये जरूरी सामान खरीद लेते हैं। अब उस पैन को लाकर रखते हैं इस स्टोव पर। और पैन को गर्म करने के लिए स्टोव को ऑन कर देते हैं। ये गर्म हो चुका है गाइस। अब पैन में यहां से एक बटर स्लाइस डालेंगे। दोस्तों, अब हमें चीज ऑमलेट बनाने के लिए इसका कच्चा मिक्सर तैयार करना है। इसके लिए हम इन एग्स को एक एक करके तोड़ लेते हैं। दोस्तों, हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं उन सब का पैसा हमारे पास से कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस ऑर्डर से जो भी प्रॉफिट होगा उससे हमारा जो खर्चा है उसको रिकवर कर लेंगे। अभी हमारे पास मात्र 2,870 रुपए हैं। इसके बाद हमने डाल दिया कटा हुआ शिमला मिर्च और इसके बाद कटे हुए लाल टमाटर। सबसे बाद में हमें इसमें डालना नमक। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब डाल देंगे मिर्ची। तो दोस्तों, हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें चलाएंगे हम एक बीटर। इसे चलाने के बाद अब इसको हम डालेंगे पैन में। और अब इसमें चलाएंगे यह वाली चम्मच। चम्मच को चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर। और पनीर रखा है वहां पर, यह लिया पनीर और इसको डाला पैन में। अब हमको चम्मच इसमें फिर से चलानी पड़ेगी। सच में गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रियल लाइफ में यह रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और ये मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। अगर आपको भी यही बात फील करनी है तो आप भी मेरी तरह यह वाला गेम खेल कर देखें। यह देखो गाइस, बातों ही बातों में हमारा जो पनीर आमलेट है वह बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम रखेंगे इस ट्रे में और इसे ले जाएंगे डिलीवरी विंडो के पास। रखा विंडो में और यह हो गया डिलीवर। तो इसी के साथ हमने आज का पहला ऑर्डर जो कि पनीर आमलेट का है कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने 355 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है और अब हमारे पास रुपए हो गए हैं 3,652। तो दोस्तों, बहुत जल्दी है हमें नया ऑर्डर मिल गया है और वह है स्क्रैम्बल एग का। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने की प्रक्रिया। इस पैन को उठा लेते हैं और इसे रखते हैं स्टोव पर और इसे ऑन करते हैं ताकि पैन गर्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें एक बटर स्लाइस डाल देता हूं।
बटर स्लाइस डालने के बाद अब इसका भी हमको मिक्सर बनाना पड़ेगा। पहले तो चलिए चलते हैं, एक एक करके इन अंडों को तोड़ते हैं। अंडों को तोड़ने के बाद इसमें हम चलाएंगे एक बीटर। एक बीटर को चलाने के बाद अब यह बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डालेंगे पैन में। अब इसमें इस चम्मच को चलाया जाएगा। तो यह लीजिए हो गई स्क्रैम्बल एग की डिश तैयार। चलिए अब इसे लेकर चलते हैं ट्रे के पास। तो गाइस हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है और बस हमको इसमें अब डालना है नमक और थोड़ी मिर्च और उसके बाद हम जाएंगे डिलीवरी विंडो के पास। चलिए चलते हैं। गाइस हम खिड़की के पास पहुंच चुके हैं और आर्डर को डिलीवर भी कर दिया है। यहां पर हमारा आर्डर कंप्लीट हो चुका है और हमने प्रॉफिट कमाया है 355 रुपया फिर से, और अब हमारे पास रुपए हो गए हैं 4477। तो गैस मुझे नया ऑर्डर मिला है स्ट्रॉबेरी केक बनाने का, तो इसके लिए हमें यह ब्लेंडर और गिलास को खरीदना होगा। तो स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी जो कि इस फ्रिज में रखी हुई है। चलो इस फ्रिज में से रखी हुई स्ट्रॉबेरी निकाल लेता हूँ और इनको डाल देता हूँ इस शेकर में। इसके बाद मुझे इस शेकर में आइस क्यूब्स भी डालने होंगे ताकि हमारा शेक एकदम ठंडा हो जाए और पीने में एकदम मस्त लगे। बर्फ के टुकड़े डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध जिससे इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। दूध डालने के बाद अब हम इसे मीठा करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, और शुगर डालने के बाद अब इस शेकर को करते हैं स्टार्ट। एकिया शेकर को स्टार्ट और यह हो गया चालू। इसके साथ हमारा टाइमर भी लगा हुआ है, 10 सेकंड में हमारा जो शेक है वह बनकर तैयार हो जाएगा। और यह लीजिए तैयार हो गया हमारा प्यारा सा स्वादिष्ट और यमी सा स्ट्रॉबेरी शेक। अब इसको लेकर चलते हैं ट्रे वाले गिलास के पास। दोस्तों शेक को डालते हैं इस गिलास में और अभी हमको इसमें क्रीम कॉर्न भी लगाना है। यह लग गई क्रीम कॉर्न, और चलिए अब इसे लेकर चलते हैं डिलीवरी विंडो के पास। इसे रखते हैं विंडो में और यह हो गया डिलीवर। दोस्तों हमारा तीसरा और लास्ट जो ऑर्डर है वह अभी कंप्लीट हो चुका है और इससे हमने प्रॉफिट कमाया है 656 रुपए का, और अब हमारे पास रुपए हो गए हैं 4429। इसी के साथ हमारा आज का दिन इस ऑर्डर के साथ एंड होता है। इससे निराश होने कोई बात नहीं है, मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहूंगा, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय एवरीवन।